हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए ले आई हूँ मेथी मटर मलाई, और इसमें मैंने कांजू भी ऐड किया है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, तो एक प्याज ले लेना और थोड़ा सा कांजू ले लेना। उन सबको फ्राई कर लेना है हमको, फ्राई में इन द सेंस थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए। और दूसरी तरफ मैंने एक कटोरी मटर लिए हैं और उसको बॉयल कर लिया है थोड़ा सा गर्म पानी में नमक डाल के। और अब आप देख सकते हो, जो मैंने कांजू और प्याज और एक टमाटर, देखिए ये पेस्ट मैंने पीस लिया है। और दूसरी तरफ मैंने एक मुट्ठी मेथी जितनी होगी उसको अच्छे से धोकर उसको तेल में मैंने थोड़ा सा सेक लिया है ताकि उसका कच्चापना जो है दूर हो जाए। मेथी मटर मलाई कांजू बहुत ही टेस्टी लगती है, एक बार आप ठंडियों में ज़रूर बनाना। और इसमें फ्रेश जो है घर की मलाई भी यूज़ होती है। तो इस तरह से आप कांजू और प्याज को अच्छे से सेक लोगे जब, और जब मटर आपके बॉईल हो जाएंगे तब पेस्ट आप रेडी कर लो। तो उसके बाद में आप पेस्ट को जो थोड़े से कांजू और प्याज मैंने बचा के रखे थे उसमें मैंने ऐड कर दिया है। ये जो पेस्ट है ये भी प्याज कांजू और टमाटर का है जो मैंने पहले ही पीस के रख लिया था। अब देखिए जो बचा हुआ पेस्ट है मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अब आपको इसमें अच्छे से सेकना है पेस्ट को। थोड़ा सा नमक ऐड कर लीजिए, नमक ऐड हो जाएगा तो इसको सिकने में थोड़ा सा मिल जाएगा कि ये सिक जाएगा, क्योंकि इसमें कांजू है तो थोड़ा सा चिपकता है। तो इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है, जब कांजू जब थोड़ा सा सिक जाए तो आपकी जो बॉयल मटर है, फ्रेश मटर मैंने यूज़ किए हैं, आप भी कोशिश करिए कि फ्रेश यूज़ करिए। और इसमें मैंने मिक्स कर दिया थोड़ी सी काली मिर्च, काफ़ी टेस्टी और यमी बनती है, ठंड में इसको ज़रूर बना के खाना चाहिए। हम लोग दो चार बार बना के खा लेते हैं। और मैं इसमें सब्जी मसाला ऐड कर रही हूँ जेके का, जो काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी अच्छा टेस्ट डालता है। तो आपको और कोई मसाला इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से मसाला मैंने ऐड कर दिया है और अच्छे से इसको एक मिक्स दे दीजिए। बहुत आसान सब्जी है, जितनी आसान है खाने में उतनी ही टेस्टी है। आप इसको फुलके के साथ, पराठे के साथ और जीरा राइस के साथ भी खा सकते हो। ये सब्ज़ी होटलों में बहुत महंगी मिलती है, आप घर पर बनाइए और अपने पैसे भी बचाइए। तो अब जब पेस्ट हमारा सिक गया है तो मैंने जो मेथी जो है सेक कर रखी थी तेल में, वो मैं ऐड कर दूंगी। आप मेथी अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हो, मैंने मेरे पेस्ट के अनुसार इतनी मेथी जो है काफ़ी है। मैंने एक कटोरी मेथी जो है अच्छे से धो के सेक ली थी, तो मैंने एक पूरी नहीं डाली है, थोड़ा सा मैंने बचा लिया है ताकि मैं उसके पराठे बना लूँगी। अब ये सब्ज़ी रेडी हो गई है, लास्ट में इसमें आप मलाई ऐड करना, घर की निकाली हुई फ्रेश जो मलाई है वही ऐड कर रही हूँ मैं। इसमें अमूल मलाई ऐड नहीं कर रही हूँ, अमूल की जो मार्केट में, क्योंकि उससे थोड़ा मीठा मीठा लगने लग जाता है। तो आप घर की मलाई ऐड करो और काफ़ी टेस्टी है और बहुत ही यम्मी लगती खाने में। एक बार ज़रूर बनाइए और बताइए कि कैसे बनी है, ज़रूर मुझे कमेंट करिए आपकी मेथी मटर मलाई कैसी बनी है। और कोई क्वेरीज हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। इसी तरह अपना प्यार सिर्फ हद बनाए रखिए दोस्तों, और मेरी रेसिपी को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिए। और आपको अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर सकते हो। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी एक छोटी सी नई रेसिपी के साथ में। तब तक बने रहिए। बाय बाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।